गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? मैं हूं अच्छा। गाइस काफ़ी दिन बाद मेरे ब्लॉग्स आते हैं, वो गाइस कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ होता है, बट गाइस मैं सोच रहा हूं अब इस बार कुछ ना हो, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम डिसाइड कर रखे हैं। और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं भाई उत्तराखंड में हैं अभी, और कैंची धाम के दर्शन करने के लिए जा रखे हैं। तो हमको पता है अल्मोड़ा वाली बस पकड़ो और पहुँच जाओगे आप। तो बस तो मिल गई है, और गाइस अपने अलीगढ़ से टाइम से आ भी गए, मतलब रैंडम था ये हमारे लिए आना, मतलब कोई प्लान नहीं था कुछ भी, वरना मैं बस से आना में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को। बस जैसे ही मूड किया, मेरा मन किया, मतलब हम लोग एक दिन पहले सुमर भाई के साथ गए थे ट्यूबल लाने के लिए, तो यहाँ पर हमने रेड बुल पी के मतलब काफ़ी इन्जॉय किया था, बट वो लोगों ने मेरा मजाक बना दिया, अरे तुमने तो रेड बुल क्या पी ली, तुम तो भाई जा रहे हो, मतलब भाई वो एक अलग ही फीलिंग थी। बाकी चलते हैं भाई, मतलब अल्मोड़ा वाली बस है ये जो भी है। और बाकी गाइस मतलब बहुत दिन बाद ट्रिप कर रहा हूँ ना मैं घर पर रहने का, मतलब 6 जून से लेके और 16 जून तक भाई काम ही करते रहे घर में, पेंट वेंट। और भाई आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा मतलब ऐसा काम हम क्यों किया है क्यों नहीं किया। बाकी अपने साथ मेरे बड़े भैया हैं, मेरे ताऊ जी के बेटा समू भाई, और जो कि मेरा जो सरनेम हंस लगता है वही, वो सब मतलब सारे भाई वाले यूज़ करते हैं, और भाई नाम से इंस्टाग्राम आई डी रहती है सबकी, तो दिखाएंगे। बाकी अब चलते हैं भाई अंदर और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस में चलते हैं भाई। यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र है। बाकी मैंने यहाँ से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ से सफ़र काफ़ी अच्छा है, तो वो आपको रास्ते रास्ते दिखाएंगे सब। और बाकी वहाँ पहुँच के दर्शन करते हैं, बाकी नहाते धोते हैं, और भाई आज अब इन्जॉय करते हैं भाई 2-3 का फ्रेश मूड से। ठीक है, मजे में हो? गाइस हमारी बस चल रही है भाई करेक्ट टाइम पर, तो अभी टाइम हो रखा है भाई 11:18। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो भाई, हम लोग अपने घर से रात में ही निकल गए थे समू भाई अपने साथ। बाकी भाई मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, बाकी धूप आ रही है थोड़ी बहुत इधर से, और आगे आपको पहाड़ भी देखेंगे भाई। देख सकते हो आप भाई पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, अपने साथ चल रहे हैं, और बाकी भाई सभी लोग इन्जॉय करते हुए चल रहे हैं, और भाई लोग अपने, और ये भैया मिले हैं हमें, भैया जा रहे हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए अल्मोड़ा। तो भाई मतलब यहाँ बैठे हुए थे, मैंने भाई से रिक्वेस्ट करी और भाई यहाँ हो गए शिफ्ट। भाई मज़ा आ रहा है नहीं? और भैया देखो भाई, भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, हल्की हल्की धूप भी है और मौसम एकदम अच्छा हो रखा है, भी ज़्यादा नहीं मतलब अच्छा हो रखा है, और भाई जहाँ पहाड़ देख लो वहाँ तो दिल अच्छा हो ही जाता है। कैंची धाम के लिए अपनी बस पकड़ ली थी, वो ना ऐसा हुआ रास्ते में आगे जाम मिलता है, तो बीच में एक स्टॉप मिल जाता है, आप लोग कुछ खाना पीना वो सब कर लो, बाकी वो सब चीज़ तो हम कर रखे हैं भाई। हमें नीड है अपने कुछ फोटोज़, कुछ वीडियोस, अपनी कुछ मेमोरी, तो इसलिए भाई हमें तो भाई व्यू मिल गया मस्त, तो भाई अपना तो सोचा एक ही ड्रेस में भाई क्या बार बार फोटो क्लिक कराएंगे, तो अपनी एक एक शर्ट और एक टी शर्ट चेंज कर लिए और कराते हैं भाई फ़ोटो वगैरह। बाकी नज़ारा भाई आपने देख ही लिया भाई, चढ़ाई और यहाँ से उतरने का रास्ता, अल्टो भाई मस्त चलाते हैं ये लोग, अल्टो वैगनार। बाकी ये बस है, देखना बस किस तरीके से जाएगी, और बाबा नीम करौली बाबा का फोटो लग रहा है, ये देखो गाइस BMW आ रही है, इसे देख सकते हो आप भाई पानी सी, ये है मज़े। और भाई इन बाइक राइडर्स का अलग मज़ा है, स्कूटी राइडर्स हैं, और ये व्यू नज़ारे, लाइक कर देना भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ये देख सकते हो भाई ये है, इसने कह सकते हैं राइडर। हम लोगों ने भाई फर्स्ट टाइम भाई मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए, और बाकी गाइस मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी मतलब कि इतने अच्छे फोटो क्लिक हो सकते हैं, बट काफ़ी अच्छे फोटो क्लिक हो गए। और आप लोगों को इंस्टा आई डी पता है और नहीं पता है तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, और कुछ पोस्ट वगैरह देख लेना। बाकी अब तो भाई इंस्टाग्राम पर तो मैं फुल तरीके से एक्टिवेट हूँ, बट थोड़ा बस यूट्यूब का ही अभी चल रहा है, ज़्यादा नहीं भाई कुछ टाइम और लग रहा है, 1-2 महीने और जा रहे हैं, परमानेंट भाई अपडेट कर लेंगे अपने आप को। और आ चुके हैं हम कैंची धाम नीम करौली बाबा, तो आप देख सकते हो हमारे सामने मंदिर है, और गाइस काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ मैंने ऊपर से देखी थी, अंदर से पूरी लाइन वहाँ से वहाँ तक पूरी घूम रही है, और काफ़ी ट्रैफिक भी है भाई, हम लोग जो हैं पूरे 1.5 घंटे लेट हैं ट्रैफिक की वजह से। बाकी हमारे ड्राइवर अच्छे थे, उन्होंने खाली रोड पर काफ़ी अच्छी बेस्ट ड्राइव कर दी, और गर्मी वर्मी तो पड़ी रही है भाई। गाइस फर्स्ट टाइम आए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और बाकी चलते हैं भाई दर्शन करते हैं, अभी देखेंगे भाई नहाने का पहला जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हमको 12 घंटे हो गए जगे हुए, और हम घर से
दो बजे की मतलब मॉर्निंग के 2 बजे सुबह सोचा मंगल है और आज ही चलता, आज ही दर्शन करने हैं। तो भाई ट्यूसडे में आ गए हैं बाबा के यहाँ और चलते हैं भाई अब स्नान करके दर्शन करते हैं। और भाई सब लोग जी जय श्री राम से भाई कमेंट बॉक्स भर देना ठीक है। भाई हम लोग आ गए थे भाई अच्छे खासे टाइम से और फिर हमने यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था करी। भाई जिन हम रूम्स में कर रहे थे वहाँ पानी ज़्यादा चिल्ड नहीं था, नॉर्मल था। और बाकी होटल में जिसमें रहने का व्यवस्था है उसमें पानी अच्छा भी है, बट फिर हम नदी में गए भाई, नदी में देख कर आए पानी, वहाँ थोड़ा गंदा पानी है तो इसलिए वहाँ ने स्नान किया। एक हेडपम्प मिला था हमें, इतना चिल्ड पानी था बॉडी एकदम कम्फर्टेबल हो गई भाई, एकदम मज़ा आ गया। और बाकी अब बैग वैग रखा है, ड्रेस व्रेस चेंज कर लिए और अब बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और अब देखते हैं कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है। और बाकी आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया यहाँ का, जैसे कि जब ये माया हमने दिखाया था कहने चाहो जय श्री राम जय श्री राम। बोलो नीम करोली बाबा की जय। यहाँ की मार्केट है भाई, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, शॉल वगैरह और जो नीम करोली बाबा हैं उनकी फोटोज वगैरह और सिंदूर विंदूर जो भी भाई सब कुछ आप ले सकते हो। बाकी रेस्टोरेंट भी बहुत है भाई, ढाबे भी बहुत है, सब कुछ है भाई यहाँ पे। और गाइस हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और दर्शन करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमने काफ़ी देर में दर्शन कर कर आए, मतलब कि अच्छे से किए हमने और क्या बताएं भाई, बहुत सुकून मिला। अब चलते हैं भाई यहाँ से, बस पकड़ते हैं अपने नैनीताल के लिए। तो वैसे तो आरती होने का समय 6:30 बजे का है, बट उसके बाद हमारी बस नहीं जाती, इसलिए हम लोगों ने बुक मिलती है पढ़ने की, चलते बैठो पढ़ो सुकून से। और हम लोगों ने अपना हनुमान चालीसा भी पढ़ी, आरती भी पढ़ी अच्छे से काफ़ी ज़्यादा। भाई कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम भाई सभी भाइयों को। भाई चलते हैं और भाई नज़ारे भाई अब बहुत अच्छे हो गए। बहुत ज़्यादा मन तो हुई है गाइस, बहुत ज़्यादा और एकदम मूड इतना फ्रेश हो जाता है। मैं क्यों आया था गाइस, मेरा कोई प्लान नहीं था, मगर सडनली प्लान बना रात में ही, और रात में है 2 मतलब 12 बजे के आसपास बना था, मतलब कि पैकिंग वैकिंग तो करी थी और 2 बजे नहा धोने के बाद निकल आए। ट्यूजडे कोई मॉर्निंग नहीं और आने के बाद ही दर्शन कर लिए, बाकी सोचा यहाँ तक आए दर्शन करने के लिए तो थोड़ा घूम लेते हैं। आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा वो सडनली क्यों प्लान है ठीक है। और पिपल के इधर भाई बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पिपल के। जय श्री राम, हो गए हमारे तो दर्शन गाइस ठीक है पप्पा जी। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि गाइस अब हम लोगों को जाना है नैनीताल और नैनीताल की बस पकड़ेंगे और वहाँ लगने वाला काफ़ी टाइम, क्योंकि अभी इस समय पर रोड चल रहे हैं फुल और बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर स्टे भी करना है, स्टे करने के बाद एकदम फ्रेश मूड से फ्रेश नए ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग ये वहाँ से बताओ जल्दी कहाँ की कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।